डीएवी कॉलेज में नेपाल की टीम को दिया जा रहा है खो खो खेल का प्रशिक्षण। भारतीय खेल खो खो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का प्रयास। खो खो गेम्स के लिए नेपाल की टीम प्रशिक्षण लेने अजमेर आई हुई है, जिन्हें दयानंद कॉलेज में 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत समारोह पूर्वक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय खो खो संघ के उपाध्यक्ष और राजस्थान खो खो संघ के अध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा रहे। खो खो संघ की ओर से पलाड़ा का माल्यार्पण कर पट्टा बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पलाड़ा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा यह प्रयास है कि खो खो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएं, और खो खो की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो भी चुकी है। भले ये खेल हमारा ग्रामीण खेल हो, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। राजस्थान खो खो संघ के सेक्रेटरी असगर अली 4 दिन तक इंडोर और आउटडोर का प्रशिक्षण देंगे। नेपाल की टीम यह प्रशिक्षण आगामी दिसंबर माह में 1 से 10 दिसंबर तक होने वाले साउथ इंडियन देशों के टूर्नामेंट के लिए लेने आई है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर नेपाल की टीम साउथ इंडियन देशों के टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। भारतीय खो खो महासंघ और राजस्थान खो खो संघ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय एक कोचिंग कैंप लगाया गया है अपने नेपाल की टीम के लिए, क्योंकि जो खो खो है वो भारतीय ग्रामीण खेल है और हमारे जो सरकार का ये एक सपना है कि जो हमारी ग्रामीण खेले हैं जैसे खो खो हुई और कबड्डी वगैरह, इन सबको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम लेके जाएं और भारतीय खेलों का नाम पूरे अंतर्राष्ट्र में हो, इसी के प्रचार के लिए जो एक टीम हमारी नेपाल से आई हुई थी उसका एक हमने शिविर लगाया है, प्रशिक्षण शिविर है ये। और हमारे दयानंद कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि भारतीय खो खो संघ ने इस कैंप के आयोजन की जिम्मेवारी दयानंद कॉलेज अजमेर को दी है। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ और हम उन सभी ये जो टीम आई हुई है नेपाल की, इनका ठहरने का, इनके रखरखाव का, इनके प्रशिक्षण का जो सारा जिम्मा है वो हमारे कॉलेज के जो क्रीड़ा अधिकारी हैं डॉक्टर असगर अली साहब और उनके HOD डॉक्टर MK सिंह और उनकी टीम को दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अगले चार दिनों में हमारे जो कोचिज हैं या जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो नेपाल की टीम को खो खो गेम के गुर सिखाएंगे, ताकि वो एक टूर्नामेंट हो रहा है दिसंबर में 1 से 10 दिसंबर में साउथ एशियन कंट्रीज़ का नेपाल में, तो वहाँ पर भी उस टूर्नामेंट में एक्सेल करने के लिए नेपाल की टीम कुछ टिप्स लेना चाहती है भारत से। और हम बहुत खुशी हो रही है हमें कि नेपाल की टीम का जो ये कार्यक्रम है वो हम आयोजित कर रहे हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत प्राचार्य दयानंद कॉलेज अजमेर। इसमें क्या कितने दिन तक चलेगा ये जो प्रशिक्षण शिविर है? 4 दिन तक दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें नेपाल से 20 पुरुष वर्ग में और 20 महिला वर्ग में 2 कोच, 2 मैनेजर, 1 फिजियो, 1 डॉक्टर, 46 जनों का डेलीगेशन आया हुआ है। और उसकी जो सारी व्यवस्था है वो राजस्थान खो खो संघ और दयानंद महाविद्यालय अजमेर की द्वारा इनको की गई है। मैं इनका शेड्यूल बता दूँ, सुबह ये मॉर्निंग में ट्रैक पे फिटनेस वर्क करेंगे, उसके बाद जिम आएंगे, जिम में अपना फिटनेस वर्क करेंगे, उसके बाद हमने इनके लिए दो मैदान यहाँ पे बनाए हैं। एक है इंटरनेशनल मैट जो इंडोर स्टेडियम में है और एक है आउटडोर क्ले कोर्ट जो मैदान के बाहर है। तो हम इनको दोनों तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं कि मैदान में कैसे खेला जाए और ज़मीन पे कैसा खेला जाए, क्योंकि इंटरनेशनल जो भी इवेंट होते हैं वो सारे इंटरनेशनल मैट पर ही आयोजित किया है, जो हमने इनको उपलब्ध कराई है। इनके लिए जिम कहाँ है यहाँ पर? हमारे यहाँ DAV कॉलेज में 2 प्रकार के जिम हैं, एक है आउटडोर और एक इंडोर। जब हम मैदान की तरफ जाते हैं तो आप देखना बाहर हमने इस्टेब्लिश कर रखा है आउटडोर जिम, और एक हमारा इंडोर जिम है जिसमें हमारी मशीनें हैं। तो जो इनके कोचेज हैं, जो इनके डॉक्टर हैं, वो उनको टाइमली उनका एक शेड्यूल है उस हिसाब से इनको ट्रेनिंग देंगे। और साथ ही साथ हमने इनके खाने की, इनके रहने की, इनकी फूडिंग की जो पूरी व्यवस्था है वो हमने जो मीनू लिया है वो नेपाल से मीनू लिया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इनको खाना खिला रहे हैं। डॉक्टर असगर अली, सचिव राजस्थान खो खो संघ अजमेर।